नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज का विषय है कि आप किस प्रकार जो है अपनी बालकनी को वास्तु सम्मत रख के एक स्ट्रेस से रिलीफ होने का उपाय ढूंढ सकते हैं। आजकल हर एक प्राणी जो है वो स्ट्रेस में आ रहा है और बार बार स्ट्रेस में आता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर हम जो है जाकर जब कभी बैठें या खड़े हों तो हमारे को जो है स्ट्रेस से एकदम रिलीफ हो गए। तो इसके लिए जो है हमने बालकनी को उपयुक्त स्थान चुना है। बालकनी में आते ही आपको फ्रेश एयर का अनुभव होता है, प्रकाश वहाँ पे अच्छा होता है और वहाँ बैठते ही जो है आपको जो है एक सुख का अनुभव होने लग जाता है। तो आइए जानिए कि किस प्रकार से जो है हम अपनी बालकनी को वास्तुसम्मत बना सकते हैं। देखिए, जब आप कोई भी फ्लैट खरीदते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि आपका फ्लैट जो है वो वास्तुसम्मत ही होगा। इवन जो लोग अपना मकान बनाते हैं वो भी कई बार गलती कर जाते हैं और वो भी अपने फ्लैट को या मकान को जो है अपना वास्तुसम्मत नहीं बना सकते हैं। वैसे देखिए, आप वास्तुसम्मत की जहाँ तक बात करें तो हर एक घर में हर एक कमरे की, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, किचन हो, टॉयलेट हो, बैल्कनी हो, क्योंकि उनमें चार दिशाएं होती हैं तो वास्तुसम्मत होता है और उसको आप वास्तुसम्मत बना सकते हैं। इसी तरह से हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि अपने आप घर की बालकनी को जो है आप किस प्रकार से वास्तुसम्मत बना सकते हैं कि जहां बैठकर जो है आपको एक बहुत ही सुकून मिले और आप स्ट्रेस से रिलीफ पा सकें। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी बालकनी में बिल्कुल साफ रखें। अक्सर ये देखा गया है कि लोगों ने बालकनी में जो है उसको स्टोर रूम बना रखा है, या तो उसमें टूटा हुआ कूलर रख देंगे या फिर उसमें जो है वो सफाई का सामान, पोछा, झाड़ू, ये सब रख देंगे, या फिर कोई और टूटी हुई वस्तु जो है वो, अगर घर में कोई सामान खराब हो जाता है तो ले जाके जो है उसको वो बालकनी में रख देते हैं। तो सबसे पहली बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपनी बालकनी को जो है बिल्कुल साफ रखिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि आप उसमें कोई लाइट कलर का पेंट करवाएं। लाइट कलर में जो है आप उसमें हल्का ग्रीन या फिर लाइट क्रीम कलर भी करवा सकते हैं, और उसको करवाने के बाद हो सके तो वहाँ पर एक आप ग्रीन कलर का मैट बिछा दीजिए, और इसके बाद जो है आप वहाँ पर एक विंड चाइन जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है वो आप उसमें वहाँ पर लटकाएं। और इसके अलावा जो है आप चार पांच गमले जिसमें बहुत ही सुंदर फूल आते हों, पत्तियाँ हों, वो आप वहाँ पे रखें। और इन फूलों में और पौधों में सबसे ज़रूरी बात यह है कि मनी प्लांट का पौधा ऐसा है जो आपको जो है फ्रेश एयर देता है। ये इवन नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि मनी प्लांट का पौधा ऐसा है जो फ्रेश एयर आपके घर में देता है, आप उसको लगाएं। वो इसको जो है आप जो है मनी बैग भी कहा गया है। तो जो भी पौधे आप अपने बालकनी में लगा रहे हैं उनमें एक मनी प्लांट भी जरूर लगाएं, और मनी प्लांट को जो है आप अपने साउथ की डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में लगाएं। तो इतना करने के बाद जो है आप जो है अपने जो है बालकनी में दो चार कुर्सी, स्टूल वगैरह, ये आप बैठने का स्थान भी बना सकते हैं, और एक छोटा सा मिरर भी आप बालकनी में लगाएं। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जो हमने आपको बताए जिस प्रकार से जो है आप अपनी बालकनी को जो है स्ट्रेस रिलीफ स्थान बना सकते हैं। जब भी कोई आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस हो, कभी भी आप जो है आपका जो है मुंह अनबनासा हो जाए तो आप उसमें जाएं, वहाँ पे खड़े हों या बैठे हों, कुछ थोड़ी थोड़ी लंबी सांसें लें, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ ये उपाय ऐसा है घर में रहते हुए जो आप कर सकते हैं और आपको जो है स्ट्रेस से रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, तो ये था मेरा आज का विषय, इसको मैंने पूर्ण किया है, और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक करें और इसको आगे शेयर भी करें, और मेरे इस चैनल को, ज्योतिष चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करें। जय माता दी।